जपानून आलेली आहे सॅंडलवूडची मूर्ती. आज आपको लग रहा होगा कि रोड से हमने शुरुआत की है, तो हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. आज हम जा रहे हैं नागपुर में बने ड्रैगन पैलेस टेंपल की ओर, जो कि कामठी में बना है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी. यह कम से कम 10 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है और इसे विश्व पुरस्कार भी मिला है. और यह एक बौद्ध प्रतिमा है, बौद्ध की प्रतिमा है जो कि चंदन की लकड़ी से बनाई गई है. एक सुंदर मूर्ति बनाई गई है, तो हम वहाँ पर जाकर आपको वहाँ का सारा व्यू दिखाते हैं. आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए. लेट्स गेट्स गो. ये मैं पहुँच चुका हूँ अभी फ्रंट गेट के सामने में. ये मेरे आगे में जो आप देख रहे हो ये गेट है, एंट्री गेट है. यहाँ से ही हमें अंदर की ओर जाना है. चलो चलते हैं. हम अब अंदर की ओर आ गए हैं. गेट से हमने एंटर कर लिया है. यहाँ से हम जो आगे आप मुझे राइट साइड में जो देख रहे होंगे, यहाँ पे टेंपल है बौद्ध का, जहाँ पर आप जाकर वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं. हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने भी ये जैसे आप देख रहे हो हमने टर्न ले लिया था राइट साइड में. एग्जैक्टली जो टेंपल है वो लेफ्ट की ओर जब जाओगे आप उस तरफ है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें भी पता नहीं था. तो ये जो आप देख रहे हो, देखो जैसे हमने ये राइट लिया, यहाँ से राइट ले लिया, हमें लगा कि यहीं पर वो टेंपल है ड्रैगन पैलेस टेंपल, बट ये वो टेंपल नहीं था. तो हम लिटिल बिट कंफ्यूज थे. तो सामने में जो गार्ड थे उनसे हमने पूछा, इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आपको आगे जाकर लेफ्ट लेना है, वहाँ पर है ड्रैगन टेंपल पैलेस. तो हम वहाँ पर गए. फिर काका ने हमें सही गाइड किया, फिर हमें ये गेट मिला जो आप मेरे जस्ट सामने देख रहे होंगे. यहाँ से हम फिर एंटर हुए अंदर की ओर, जो कि सीधा ड्रैगन पैलेस टेंपल की ओर रास्ता जाता है. ये सीधा ही जाता है और राइट साइड में जो है आप देख रहे होंगे जो बाउंड्री लगी है उस टेंपल की ही है. जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे वो 2017 में उन्होंने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने ही यहाँ का उद्घाटन किया था. तो चलो अब हम अंदर चलते हैं. ये राइट साइड में ही मेरे आप गेट देख रहे होंगे, वहाँ पर जाके उसे एक्सप्लोर करते हैं. हम पहुँच चुके हैं ड्रैगन पैलेस टेंपल में. ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये गेट है उसका, जहाँ से अभी हमें अंदर जाना है टेंपल की ओर. ये अंदर वाला गेट है. हम जो रोड से आए वहाँ से अंदर आए, सीधा यहाँ पहुँच गए हैं. अभी आप जब आते हो यहाँ पर तो आपकी जो कार या बाइक है इसे पार्किंग साइड में ही लगाना है, ये राइट साइड में. अब हम चलते हैं अंदर की ओर. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस. मैं ना अपना अब मास्क निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स मत करना कि मास्क नहीं पहना. देखो यहाँ कोई पब्लिक नहीं है इसलिए मैंने अपना मास्क निकालना है, मुझे सफोकेशन हो रहा था. सो प्लीज़ मास्क है मेरे पास, देख सकते हो आप. चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर. ये आप थोड़ा अंदर आते हो, ये लेफ्ट की तरफ जो आपको दो सेट्स दिख रहे हैं आगे में, वहाँ पर आपको अपने शूज़ निकालना है. बिकॉज़ आप अपने शूज़ चप्पल अंदर ले जा नहीं सकते हो, यहाँ आपको निकालना है. चलो हम चलते हैं. हो चुका वो मेन जो टेंपल है वहाँ पर, ये मेरे पीछे आप देख सकते होगे. ड्रैगन पैलेस टेंपल है, हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर. अभी हम अंदर जाने वाले हैं और ये मेरे आजू बाजू में आप जो व्यू देख रहे हो इतनी क्लीनलीनेस का यहाँ पे ख्याल रखा गया है. और ये जो व्यू है आसपास में बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और बहुत ही सुकून मिल रहा है. आप जब भी आते हो नागपुर में तो ये ड्रैगन टेम्पल पैलेस ज़रूर विजिट करो. मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं यहाँ की हर एक चीज़, हर एक जो भी यहाँ पर बनाई गई है उस इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ. तो स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा. मैं अब चलता हूँ अंदर की ओर. Oh, 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 oh
फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंपल के अंदर में। मैं आप देख सकते हो कि मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप जब आते हो आपके फ़ोन्स आपके जेब में ही होना चाहिए। आप यहाँ पे अंदर जाकर फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो, परमिशन ही नहीं है। और यहाँ पर पहुंचकर जो सुकून मिलता है ना, जो यहाँ पर आता है ना, उसी को पता है। बहुत ही साइलेंस है यहाँ पर, जो साइलेंस मेंटेन कर रखा गया है। जब आप आओगे ना तभी आपको पता चलेगा। ये आप मेरे सामने देख रहे होगे बुद्ध की प्रतिमा, इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर सब रखा गया, और जो क्लीनलीनेस का ख्याल रखा गया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। जो भी आप आओगे नागपुर में, यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि जब भी आप आओगे तो यहाँ ज़रूर आओ। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो बुद्ध की प्रतिमा, देखिए आप खुद ही देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे रखी गई है ये, और कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है। मतलब क्लीनलीनेस का तो, मतलब क्लीनलीनेस पे आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, इतनी क्लीनलीनेस है यहाँ पर। ये मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ यहाँ की प्रतिमा। जब भी आप आओगे नागपुर में यहाँ पर ज़रूर विज़िट करो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के आउटसाइड वाले एरिया में, जो भी वो भी बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन कर रखा है। मैं आपको ले चल रहा हूँ चारों तरफ का व्यू दिखाने के लिए। म्हणजे 2 वर्षामध्ये तयार झालेला आहे आणि याला आता ह्या वर्धापन कार्तिक पौर्णिमेला 22 वर्ष पूर्ण झाले। 22 वर्ष झाले। आणि याचे विशेष म्हणजे हे सुलेखाताई यांनी बांधलेलं आहे, सुले आणि नोरिको ओबा मॅडम यांनी बांधले, दोन्ही मिळून बांधलेलं आहे। आणि त्यांचंच आहे सगळं मेंटेनन्स, ताईच्याच आहे, सुलेखा ताईंचाच मेंटेनन्स आहे। आणि हे इथं जपानहून आलेली आहे सॅंडलवूडची मूर्ती, 64 केजीची आहे। हे ताई सुलेखा ताई कुंभारे माझी मिनिस्टर ह्या सगळं सांभाळतात आणि इथून धम्म प्रचार पुरा जगभर प्रसारित। अच्छा, प्रसारित होत। ठीक आहे, धन्यवाद। आमच्या शंभरकर साहेबांना हे जे इन्फॉर्मेशन दिली हे कोणालाच नाही माहिती होती। तो ड्रैगन पैलेस घूमकर हो चुका है सारा कुछ, आपने देख लिया यहाँ का व्यू। तो आपको ये ड्रैगन पैलेस कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और आपको कैसे वीडियोस पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करके बताना, ताकि मैं वैसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और सबसे मेन बात सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम चलते हैं घर की ओर, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।